योगी सरकार का ये बजट सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का हमारा अर्थ संकल्प है। पूरा निराशाजनक बजट है, केवल कागज का प्रयोग। ये सरकार लगातार धोखा दे रही है, आने वाले समय में जनता इनको धोखा देगी। सौगात पर सियासत, सोच रहे होंगे ना सौगातों पर भी सियासत कौन कर सकता है, लेकिन जनाब यूपी में अगर कोई काम हो और काम पर सियासत ना हो ये काम अधूरा लगता है। और फिर आज तो बात बजट की थी। नमस्कार, R9 टीवी पर दिन की सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। सौगातों पर सियासत, क्योंकि बजट पेश होने के साथ सियासी खेल भी शुरू होगा। विपक्ष का दावा है कि बजट धोखा है, पक्ष का दावा है कि बजट ऐतिहासिक है। इन तमाम दावों के बीच बजट आखिरकार कैसा है और बजट पर सियासी बोल बोलने वालों की बातों में दम कितना है, ऐसे तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की अगले एक घंटे की बहस। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट। इस बजट में मैं प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने के प्रति समर्पित करता हूं। लोपेश हो गया यूपी सरकार का उम्मीदों का बजट। सरकार का दावा है कि यह बजट सौगातों से भरा है, लेकिन बजट आने के साथ साथ सौगातों पर सियासत शुरू हो गई है। यूपी के इतिहास में इस सबसे बड़े बजट के ऐलान के साथ ही सियासी खमासान भी शुरू है। सरकार के घेराव में सबसे आगे अखिलेश यादव आए और बजट को लेकर तमाम सवाल दाग डाले। गंगा साफ हुई है ना यमुना साफ हुई है, और गंगा यमुना तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत ना साफ हो। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ होगी तो गंगा भी साफ होगी, यमुना भी साफ होगी। तो किसानों की आय को लेकर के कहा गया है कि किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन अगर हिसाब किताब ठीक होगा तो 1% भी किसान की आय नहीं बढ़ी है। सरकार लगातार धोखा दे रही है, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, उद्योग जगत के लोगों को धोखा दिया, जनता को धोखा दे रहे हैं। इस बार मुझे लगता है ये सब बजट देखने के बाद और इनके काम करने के तरीके को देखने के बाद आने वाले समय में जनता इनको धोखा देगी। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, उन्होंने केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला है। जब समाजवादी सरकार थी उस समय का प्रस्तावित, उस समय का अलाइनमेंट बनाया हुआ, और उस समय नाम जो था वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, केवल नाम बदल दिया और नाम बदल करके दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने बजट को पूरी तरह खोखला करार दिया, तो दूसरी तरफ बजट पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि बजट सिर्फ कागज का पुलिंदा है। पूरा निराशाजनक बजट है, केवल कागज का पुलिंदा है। उम्मीद था स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्था ये सरकार करेगी। जिस शहर से गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी आते हैं, अभी उन्हीं के अस्पताल में, जिला अस्पताल के बाहर पानियों का जमावड़ा है, कहीं किसी उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में दवाई के इंतजाम नहीं है। अगर उसकी व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पा रही है, जहां देखा जाए किसानों के लिए सरकार ने कोई नई योजना नहीं लाई। हमें उम्मीद था कि किसान आयोग का गठन होगा, आवारा पशुओं के लिए उनके गृह आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम करेंगे, छत्तीसगढ़ से कुछ ये सरकार सबक लेगी। हमें उम्मीद था कि ये किसानों के लिए और बेहतर व्यवस्था करते हुए जो लोग रखवाली कर रहे हैं उनको किसान भत्ता देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, लेकिन इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। विपक्ष सरकार की सौगातों पर सियासी वार पलटवार में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का ये दावा है कि बजट में युवाओं का पूरी तरह ध्यान रखा गया और युवाओं के लिए कई काम किए जा रहे हैं।
ये बजट भी पूरी तरह से युवाओं के ऊपर निर्धारित है और अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, तो युवाओं को केंद्रित करते हुए इस बजट को बनाया गया है और सभी जितनी भी योजनाएं हैं युवाओं के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि आने वाला समय युवाओं का ही है और उत्तर प्रदेश में भी युवाओं की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में कार्य किया गया है। जितने भी नए अभी योजनाएं बनाई गई हैं, 11,000 करोड़ का नया निवेश है, बहुत जल्द इन सभी सारे निवेशों को आप ज़मीन पर देखेंगे और मैं समझता हूं कि डिफेंस एक्सपो और इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी हमारी सरकार के द्वारा कई लाख पदों को नया सृजन किया गया है और जहां युवा उसमें रोजगार पाएंगे। देखिए, विपक्ष का कार है कि हर बार वो उनका एक ही तरह का रवैया होता है कि बजट खोखला उनके लिए होता है। उनकी सरकारों में इस तरह के बजट कभी बनाए नहीं गए, वे केवल जनता को लूटने वाले बजट जो बनाए जाते थे, उस तरह से हमारी जब सरकार एक सकारात्मक बजट को लेकर के आती है तो ये उनको मैं कहूँगा कि पछता नहीं है। चुनाव से पहले सरकार ने लोगों के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं। 5.12 लाख करोड़ के साथ इस बार का बजट यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट साबित हो रहा है, लेकिन सियासतदान इस बजट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब विपक्ष के इन सवालों में कितना दम है और ये जवाब कितने असरदार है, आज की चर्चा इसी पर। तो बजट कितना समावेशी है, बजट कितना जनता का हितैषी है, या फिर बजट पर जो विरोध हो रहा है, बजट को खोखला करार दिया जा रहा है, उसमें कितना दम है, ये चर्चा में शुरुआत करेंगे इन सवालों की। लेकिन उससे पहले R9 टीवी के क्या कुछ सवाल हैं उनका जिक्र करते हैं। बजट पर विपक्ष के सवालों में कितना दम, बजट को लेकर अखिलेश के आरोप कितने सही हैं, युवाओं को सौगात से विपक्ष को दिक्कत क्यों है और आम जनता को कितना पसंद आएगा ये बजट, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा में। और क्या बजट को लेकर विपक्ष के आरोप सही हैं, चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेहमान पैनल में जो मौजूद हैं, देवेंद्र प्रमुख हैं, नेता बीजेपी की, इन्हीं की सरकार ने बजट पेश किया, सवाल इनसे आज बहुत से बनेंगे। अजय अरोड़ा साहब नेता कांग्रेस के, इसके अलावा अरविंद कठेरिया जी नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, अनिल मिश्रा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, धर्मवीर चौधरी नेता बहुजन समाज पार्टी वो भी हमारे साथ हैं, AK मिश्रा साहब आर्थिक सलाहकार भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत देवेंद्र प्रमुख जी आपसे करते हैं, आप कह रहे हैं कि ये जनता का हितैषी बजट है, समावेशी बजट है, बहुत कुछ आपने युवाओं के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, लेकिन आरोप जो लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से उसमें साफ तौर पर खोखला करार दिया जा रहा है बजट को, इस नजरिए के विपक्ष को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए कुलदीप जी, सबसे पहले बधाई मैं देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ साथ हमारे जो मिनिस्टर हैं जिन्होंने साथ मिलकर आर्थिक स्थिति को नापा है, खन्ना साहब उन्होंने बहुत मेहनत की है इस बजट को बनाने के लिए और उसके बाद इसको पेश किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में इतना भारी भरकम बजट तैयार करके पेश किया गया है, किसी ने अब से पहले हिम्मत नहीं जताई थी। उसमें युवा से लेकर जितनी भी आप समाज सेवाओं, शिक्षा से लेकर सब पर अलग अलग तरीके से सब चीज तय करके किया, प्रदेश को हर कोने को छेड़ने का कोशिश किया, क्योंकि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा है, देश में सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ दुनिया में 16वें नंबर की आबादी हमारी बैठती है, अपने आप में उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर बैठता है। बहुत बड़ी बात है कि हर कोने को छूने की कोशिश की है और उस पर जमी पर आकर बात की है। हाँ, विपक्ष का काम है उंगली उठाना, आक्षेप उठाना, क्योंकि विपक्ष होता भी इसलिए है, विपक्ष से घबराने की उसकी कोई बात नहीं है। हमने जो बजट पेश किया हमको खरा उतरना, हमारे लिए अब ये अगली चुनौती है। अरविंद कठेरिया जी, क्या कुछ आपको इसमें नजर आ रहा है, क्यों गलत आपको लग रहा है? आपके नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गंगा की सफाई नहीं हुई है, सरकार की नियत ही साफ नहीं है, तो गंगा कहां से साफ हो जाएगी? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का नाम बदल दिया गया, बस इतना सा किया, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था उसका नाम, इस सरकार ने सिर्फ नाम बदला है, काम नहीं बदला है। पठानिया जी, इस साल का ऐतिहासिक धोखा जो इन्होंने बजट पेश किया, आदरणीय योगी जी का बजट, उसे हम ऐतिहासिक धोखा करार देंगे। इन्होंने अभी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सिर्फ स्वच्छता अभियान के लिए इन्होंने अपना एक स्पेशल बजट निकाला, 5,791 करोड़। देखिए, गंगा यमुना
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्यों कहा है, ये स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। इन्होंने गंगा के लिए 33,000 करोड़ रुपया इशू करवाया था केंद्र सरकार के लिए, आज उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और गंगा माता हमारी आज रो रही हैं, वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि इनके बजट में जो हमारा झांसी जो है बुंदेलखंड प्रांत है उसके लिए इन्होंने बताइए 50 करोड़ मात्र, लगभग 50 करोड़ उसमें सोलर पे दिया है, जहाँ ये अपना पूरा विकल्प रख सकते थे, बहुत बड़ी तादाद में पैसा देके वहाँ लोगों को सोलर के लिए प्लांट कर सकते थे, और उस प्रदेश के लिए इन्होंने सिंचाई व्यवस्था के लिए या ट्यूबवेल व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं दिया है। आज मैं कहूँगा कि ये सरकार का बजट जो ऐतिहासिक धोखेबाज बजट है वो निश्चित रूप से शिक्षित बेरोजगार विरोधी, महिला विरोधी और किसान विरोधी बजट है। एक रिएक्शन धर्मवीर जी का भी ले लेते हैं। चौधरी साहब आप बताइए कि दरअसल आज के बजट में खामी क्या नजर आ रही है आपको? कुलदीप जी, ये जो योगी जी की सरकार ने जो बजट पेश किया है, आप इस बजट को ले लीजिए और चाहे इसके पिछले सालों की जो बजट पेश किया गया था उनको ले लीजिए, ये जो 22 करोड़ की जनता देश की प्रदेश की है उनकी जन आकांक्षाओं का के साथ में ये धोखा है, ये छलावा है, और ये लोग इनकी जो नीति और नीयत है वो बिल्कुल जो है किसान विरोधी है। युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, स्वास्थ्य के बारे में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के बारे में प्रदेश पिछड़ा हुआ है, और जो ये सफाई गंगा की हो, ये स्वच्छ हो, ये सब इनका ढोंग है। ये सिर्फ एक ही एजेंडे पर चलते हैं कि हम लोग जो हैं मंदिरों में घंटा बजाएं और ये सत्ता पाएं और बाकी जनता जो है वो लाइन में लगी रहे, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे वो दूसरी जीएसटी की हो, व्यापारी परेशान है, हर जो है समाज में हर तरीके के लोग हैं, सब परेशान हैं। आज प्रदेश में देश में त्राही त्राही मची हुई है, ये सरकारें बिल्कुल फेल हो चुकी हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो, कानून व्यवस्था का हो, क्या कुछ था बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जेवर एयरपोर्ट को 2,000 करोड़, अयोध्या एयरपोर्ट में 500 करोड़, दिल्ली के मेरठ के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 286, कानपुर मेट्रो के लिए 358। ये दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेस के निर्माण का तो वो शुरुआत हो गई है, दिवाली से पहले उसका तोहफा भी देना चाहते हैं जनता को। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था, झांसी आगरा कानपुर में भूमि चिन्हित की गई है, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2,000 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, शिक्षा के लिए, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,363 करोड़ रुपयों का बजट है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय, 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़, पुलिसिंग में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, मॉडर्नाइजेशन को लेकर दरअसल बजट रखा गया है, हर साल की तरह वैसा ही रखा गया है। एके मिश्रा साहब आपके पास चलता हूं मैं, एके मिश्रा साहब ये बताइए कि पिछली बार जो बजट था 4,89,000 करोड़ रुपयों का और अब 5,12,000 करोड़ रुपयों का, 37,000 करोड़ का इजाफा इस बजट में हुआ है, आपको क्या लगता है इतने बड़े सूबे के लिए 37,000 करोड़ ठीक है, ज्यादा है, कम है, किस नजरिए से देखते हैं? पठानिया जी, अगर आप ये बोलते हैं कि इतने बड़े सूबे के लिए तो 37,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट में प्रोविजन करना ये कोई बहुत बड़ी चीज मैं नहीं मानूंगा। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, पिछले लगभग 70 सालों से आजादी के बाद से बीमारू राज्य ये हमेशा रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रही है, और ग्रोथ के जितने भी इंडेक्सेस होते हैं मॉडर्न इकोनॉमी में उसमें आप देखेंगे तो यूपी और बिहार वगैरह हमेशा पीछे रहते थे। सवाल यह है कि देखिए, जैसे हमारे सारे नेतागण यहाँ जो बैठे हैं ये लोग बोलते हैं संविधान की मूल भावना, बजट में क्या मिला, कम है ज्यादा है वो दूसरी चीज है, लेकिन बजट का नेचर यानी मूल भावना देखिए कि सरकार फोकस किधर कर रही है। उस चीज के लिए मैं आपको बोलूंगा कि पिछले 2-3 साल से योगी सरकार जो है उनके प्रयास उतने तो नहीं है जितना कि यूपी को जरूरत है, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा है और सरकार की लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं है कि फंड बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन जो दिशा होनी चाहिए उस दिशा में बहुत सशक्त प्रयास हो रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इन्होंने संकल्पना की है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनेगी तो 1 ट्रिलियन यूपी को देना है, हालांकि ये एक बहुत टिपिकल टास्क है, लेकिन उस दिशा में काम हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, किसी भी स्टेट या इकोनॉमी के लिए अगर हम यूपी को एक इकोनॉमिक कंट्री की तरह मान ले तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह फोकस्ड है, गंगा एक्सप्रेस
एक्सप्रेस वे वगैरह के लिए जो बजट दिया हुआ है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जो अपने आप में इंटरनेशनल लेवल का होगा, छोटे छोटे और ऐसे चीजें जो टूरिज्म के नाम पे बन रहे हैं लेकिन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे एक मिश्रा जी मुझे ये बताइए कि जीडीपी के मामले में चौथे या पांचवें नंबर पर है उत्तर प्रदेश, लेकिन बजट के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का है। ये बताइए कि जिस तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट अगर देखा जाए तो कंट्रोल में नजर आता है, 2.97 पिछले साल की ये फिगर है, कंट्रोल में नजर आता है। मेरे को ये बताइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी विकास की गति मिल पाएगी। उसमें आपको क्या नजर आता है? मैं आपको बता रहा हूं, यह एक सराहनीय प्रयास है क्योंकि बजट की अमाउंट भारी भरकम है और हर साल बढ़ रही है, लेकिन एक पैर देखिए आप कंपैरिजन कैसे करते हैं, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से। यूपी को बहुत जरूरत है, आप ये देखिए इतना पोटेंशियल यूपी में है, 80 जिले हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हर जिले से एक प्रोडक्ट होगा, अगर केवल उसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो, केवल गंगा की सफाई पे करना हो, इन सब चीजों को अगर वॉर लेवल पे लेके चले तो मुझे लगता है जो 5 लाख 13 हजार करोड़ का जो बजट है ये भी कम है। लेकिन मैं एक सराहनीय प्रयास इसलिए मानता हूं कि इस साल कुछ डेवलप होगा तो नेक्स्ट ईयर कुछ डेवलप होगा तो नेक्स्ट ईयर कुछ डेवलप होगा, और सारे डेवलपमेंट कल्टीवेट होते 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 इन कंपैरिजन ऑफ पिछले 70 सालों में डेवलपमेंट हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं देवेंद्र प्रमुख जी, अगर आपका बजट इतना ही बढ़िया, इतना शानदार है, इतना बड़ा, इतना कॉलोसल है, मेरे को ये बताइए फिर पिछले बजट के मुकाबले जहां 12% की बढ़ोतरी हुई थी, इस बार महज 6.5% की बढ़ोतरी क्यों? देखिए एक चीज और मैं कुलदीप जी कराऊं, अच्छा मिश्रा जी अच्छे से बता रहे थे लेकिन बीच में आपने मुझे पूछा है तो मैं बताता हूं कि पिछली बार मैंने एक शुरू में ही व्याख्यान बोला था आपको कि पहली बार इतना भारी भरकम बजट जो है किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई है रखने की। और दूसरी चीज, मैं आजकल चुनाव में जो मैनोफेस्टो आते हैं ना, घोषणा पत्र जो होता है, संकल्प पत्र जिसको हम बोलते हैं, वो अब से पहले 2014 से पहले जो सरकारें थी वो बहुत भरकम अपना घोषणा पत्र लाती थी और 5 साल में उसका पता नहीं चलता था कि कौन सी चीज हम लेकर आए, कोई कौन सी चीज हमने जनता को दी है कौन सी नहीं। लेकिन जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक घोषणा पत्र पर हम विशेष ध्यान देते हैं और सारी पार्टियों की जिम्मेदारी बन गई है किसानों की। और दूसरी, ये जो बजट हमने दिया है, बताइए ना हमने काम किया है, आपका नंबर आएगा चौथा, आप देखिए उसका नाम आएगा। अरे मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं तर्क के साथ बता रहा हूँ, विचलित ना हो आप, विचलित ना हो क्योंकि आप मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बजट इतना शानदार है, बजट इतना शानदार है कि जो हमने पीछे घोषणा की थी उसको पूरा करने के साथ साथ अगला जितना हमारा इनकम का स्रोत बना है, जितनी हमारे प्रदेश की इनकम है, उस हिसाब से हमने बजट में बढ़ोतरी की है और उस बढ़ोतरी के अनुसार ही हम अगला बजट जो है पेश कर पाए हैं, क्योंकि हमें आने वाले समय में जो घोषणाएं की हैं, इन घोषणाओं का जनता को जवाब भी देना है, काम भी करना है। और अगर आप बात करते हैं बजट का, मुद्दा यह है कि बजट में एक चीज का प्रोविजन नहीं है कि मूर्तियां बनवाई जाए, 12,000 करोड़ की मूर्तियां हैं, मूर्तियां बनवाने के लिए रख दिया जाए तो बजट सही हो जाएगा, तो आप जो है इस लायक नहीं है। हजारों करोड़ की मूर्तियां चौधरी जी जानवरों की आप लोगों ने आप कहा सुनिए, यह बजट फेल है, आप इकोनॉमी के बात करिए ना, आइए राजनीतिक परिचर्चा नहीं है, फर्क पर है बजट पर सवाल उठाने लायक नहीं आप आप किसानों को रोजगार नहीं देना चाहते, युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते, आप शिक्षा के मामले में फेल है, आप जो है स्वास्थ्य के मामले में फेल है, योगी आदित्यनाथ के थोड़ा बगैर ऑक्सीजन के बच्चे उसके लिए आपने क्या किया?
नहीं, कितने सपाही बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम बताइए, आप हर मामले में फेल हैं और आप डिबेट को भी भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन बोलता है कि इस बजट से किसानों को नहीं फायदा होगा, गरीब, मैं बोलता हूँ उनकी किसानों की बजट पे फसल की बात छोड़ दीजिए, किसानों की फसलों को जानवर नष्ट कर रहे हैं फ्री में, उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या किया है? अरे मिश्रा जी छोड़ दीजिए, आप बेपानी के लोटे हैं, कभी इधर और कभी उधर। सर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, कैसे गरीबों को फायदा होगा, यहाँ से दिल्ली से जहाँ आप बैठे हो, अगर आप मेरठ पहुंचोगे एक घंटे में पहुंचोगे, पहले ढाई घंटे पहुंचते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा, अयोध्या काशी डेवलप होगी, टूरिज्म के थ्रू जो पैसा आएगा, जो टूरिस्ट लोग आएंगे, एक एक पान की दुकान भी जो गरीब लोगों ने रखी है उनकी भी इनकम बढ़ेगी, एक एक हलवाई की दुकान वालों की भी इनकम बढ़ेगी। माइक्रो पूरे देश को बेच रहे हैं सर, आपके पास में कोई संसाधन नहीं है, आप हर चीज को बेच रहे हैं। आपके सवाल को आगे बढ़ाता हूँ मिश्रा जी, आपके सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, गर्मी आ गई है 5 लाख करोड़ के, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ आपके सवाल को। कठेरिया साहब आप और चाहे चौधरी साहब आप, आपने भी सवाल का जवाब दे रहा हो तो पता है ये इनको, आप दोनों में से दे देना मेरे को। ये बताइए कि पहले ये माना जाता था कि जैसे मूर्तियों की उन्होंने बात की तो फिर लखनऊ में मूर्तियां, नोएडा में मूर्तियां, ये चीजें होती थी और ऐसा माना जाता था कि समाजवादी पार्टी का जो बजट है वो बना दो, विकास हो गया, वो सफाई तक होकर सीमित हो जाता था, मूर्ति बना दो, समाजवादी पार्टी का बजट सफाई तक सीमित हो जाता था। लेकिन एक सराहनीय कदम है बजट का, जो मूलभूत भावना है उसको देखिए। अरविंद कटेरिया जी से ठीक है आगे बढ़ेंगे, उस पर भी आएंगे। अरविंद कटेरिया जी सवाल आपसे था कि दरअसल जो समाजवादी पार्टी का बजट था सफाई तक सीमित हो जाता था, अब आपको क्या दिक्कत नजर आ रही है इसमें? आपने केंद्र सरकार ने 71,000 करोड़ रुपया शिक्षा का बजट था, उसको 10,000 करोड़ रुपया माइनस करके 61,000 करोड़ रुपया कर दिया। पहले तो आप ये स्वीकार करो कि आप शिक्षा और छात्र विरोधी आप लोग हैं। नंबर दूसरा, जो आप लोगों ने किसानों के बजट में आप कह रहे हैं, जबरदस्ती आप बात करते हो, पान की दुकान और शौचालय बनवाने लगते हैं, मैं आपके माध्यम और चैनल के माध्यम से बात करते हैं कि जो आपने शौचालय बनवाए हैं सबसे पहले उसमें पानी देने का काम करें। किसी उत्तर प्रदेश में किसी भी शौचालय में पानी नहीं, आज गांव गांव में नल नहीं है, आप बताइए सुनिए आप बोलेंगे। इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में नहरें सूखी पड़ी हैं, आपने नहर व्यवस्था के लिए क्या दिए? सुनिए रुक जाइए, इसके बाद सुनो अरे इनको चुप कराइए, मुझे तो लग रहा है मिश्रा जी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। प्लीज, अभी स्वच्छ भारत की बात हुई और उस योजना पे 5,791 करोड़, मुझे याद है अच्छी तरह से जब प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव लड़े, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और वहां विकास किस प्रकार से हुआ है और अब होने वाला है, संजय जी देवेंद्र प्रमुख जी, माँ गंगा ने मुझे वापस भगाया है, पहली बात। क्या बात कर दी? दूसरी बात, एक मिनट आपके बीच में देवेंद्र जी, आपके बीच में नहीं बोला, आप नहीं बोलेंगे, मेरी आवाज आपसे ऊंची है, मेरी आवाज आपसे बुलंद है, जीत लेकर आए हैं, आप नहीं बोलेंगे। कैसे आपने सब कह दिया कि आप वापिस चले जाइए? मुझे सवाल तो आने दीजिए, सवाल आने दीजिए, सवाल आने दीजिए जी। अजय अरोड़ा साहब, अजय अरोड़ा साहब, अजय अरोड़ा साहब, किसको भगाया? सवाल पूरा नहीं, अजय अरोड़ा साहब, मिश्रा जी मिश्रा जी, किसको माँ गंगा ने भगाया? अजय अरोड़ा साहब, सवाल मैंने जुगल मिश्रा जी, ऐसा मिश्रा जी भगा
दिया आपका मिश्रा जी, अर्थशास्त्री बन गए तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिश्रा जी चुप हो जाए, हमारी भी सुन ले। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिश्रा जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए अभी बात तो बात तो कुलदीप जी हैं तो हैं। एक मिश्रा साहब, एक मिश्रा साहब, एक मिनट पूरा सवाल हो रहा है कुलदीप, सवाल हो रहा है कुलदीप जी, एक मिनट मुझे बोलिए। अरोड़ा जी का सवाल है कुलदीप जी, प्रमुख साहब नहीं सुन रहा, प्रमुख साहब हेमंत जी बीच में नहीं बोलेंगे जी। अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, प्रमुख साहब सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं मेरे बात बोलेंगे, सवाल आप भी आते मेरी बात जवाब देना, मेरे सुनने के बाद जवाब देना, मेरे सवाल जवाब देना, मेरे सुनने के बाद जवाब देना। देवेंद्र जी तो है ना, बोलूं देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी सवाल आने दीजिए, सवाल आने कुलदीप जी, खुलकर जवाब दीजिएगा आप, सवाल आने दीजिए। युगल गीत गाया जाता है तो डिबेट भी देवेंद्र जी मिश्रा की युगल डिबेट चल रही, चलो एक साथ ना बैठे, ये कहना चाहते हैं अलग अलग बैठे, आरोप मत लगाइए, जवाब मेरे पास है, आप सवाल नहीं ले रहे, अरोड़ा साहब सवाल नहीं ले रहे, ये सोच के आए दोनों, ये दोनों व्यक्ति मैच फिक्सिंग करके आए, बात सुनेंगे नहीं। अभी कुलदीप जल्दी से सवाल, महिलाओं के प्रति बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उत्तर प्रदेश में अभी जब मैं आ रहा था तो मेरी महिला संगठन से बात हुई, मैंने कहा जी, मैंने मुबारकबाद दी, मैंने कहा महिलाओं के लिए योगी सरकार ने और खन्ना जी ने यह किया, कहते भाई साहब हमें ये बजट नहीं चाहिए, हमें महिला सुरक्षा चाहिए, हम इस बजट एक भी नहीं बोलेंगे नहीं, कह रहे सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ से सीख कराइए, फिर मैं किसान से बात करूंगी, और बजट में क्या रखा है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, ठीक है ठीक है, सवाल हो गया अनिल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी महिलाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर उन्होंने बात की है और आज पटल पर बात रखते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में 35% की गिरावट आई है, 35% की गिरावट आई है, हालांकि बजट में अच्छा रिएक्शन मार दीजिए। अनिल अरोड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है जी, अनिल मिश्रा जी आपसे सवाल, अनिल मिश्रा जी आप जवाब रखिए, 55 लाख महिला, अनिल मिश्रा जी आप सब अब महिला विरोधी है, कटेरिया साहब, कटेरिया साहब ऐसे नहीं, कटेरिया साहब आप रुकिए ना, अनिल मिश्रा जी देखिए अब ये तो चर्चा आप देख ही रहे हैं, बात बजट की हो रही है तो थोड़ा बहुत से बारीकियों से बजट बारीकियों पे जाए, परेशान भी हैं वो लोग जी। देखिए एक तो ये चौथा बजट था योगी जी के शासनकाल का, और आखिरी मतलब आखिरी बजट एक बचा है, वो किस तरफ पेश होता है, कहां की तरफ हम बढ़ चले हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा, अगर आप सिर्फ कहते हैं बजट कैसा लगा या कैसा दिख रहा है, अगर आपका ये प्रश्न हो तो निश्चित रूप से अच्छा है, क्योंकि बजट पढ़ने में चाहे इनका हो या किसी का हो, बजट में जो बातें कही जाती हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती हैं, आप जितनी आइडियल बुक्स होती हैं उनको पढ़िए तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने की जरूरत होती है। आप चौथा बजट है, इस बजट को लेकर इतना हो हल्ला हो रहा है और फिर वही कहा जा रहा है कि प्रदेश की पूरी रूपरेखा बदल उठेगी, दृश्य बदल उठेगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब पिछला साल बजट पेश किया गया था तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि पूरी देश की प्रदेश की रूपरेखा इससे बदल जाएगी। मैं छोटे छोटे 2-3 उदाहरण देता हूं, जैसे हमारे बजट पे मैं बोल रहा हूं इसलिए आप, और बाकी तो व्याख्याएं होती रहेंगी, इसी तरह चाहे प्रदेश बजट हो चाहे केंद्र का बजट हो, केंद्र ने जब पिछले साल बजट पेश किया था तो उस वक्त भी मंदी का दौर था और कहा गया था सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन जब इस बजट तक आते आते वो समस्याएं और दुगनी रूप में बढ़ गई, फिर केंद्र ने बजट पेश किया और बजट पेश करके बोला सारे समाधान इसमें कर दिए गए, अब देश बहुत आर्थिक तेजी से बढ़ेगा, वृद्धि दर बहुत तेज होगी, $5 ट्रिलियन का वो रखा गया है। अगर आपको मालूम हो तो मूडी जो
विशेषज्ञ एक समिति है जो हमेशा आर्थिक रिपोर्ट पेश करती है, उसने जो अभी हमारे केंद्र के बजट के पहले 6.6 इस ईयर के लिए घोषित किया था, बजट के बाद पूरा आकलन करने के बाद उसको 5.4 पे ला दिया, ये कल की रिपोर्ट है। मैंने मूडीज का नाम इसलिए लिया कि प्रधानमंत्री अगर याद हो 2-3 साल पहले जब भारत का जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा था तो 2-3 साल मूडीज ने बहुत उम्मीदें जगाई थी, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। वो चीन का भी गिरा है, ओवरऑल गिरा है 2.5% के आसपास जीडीपी। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, उसे मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की, क्योंकि हकीकत दिखनी चाहिए। हकीकत क्या है कि 6 महीने की रिपोर्ट परसों आई है, हमारा निर्यात लगातार गिर रहा है। हम आते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में जब पिछला बजट पेश किया गया था उस बजट के दौरान जिन जिन बातों की घोषणाएं की गई थी, जिन जिन योजनाओं की घोषणाएं की गई थी, आज बजट पेश होते हुए देखिए सारे निगेटिव पे चले गए हैं। बजट में पैसे का उल्लेख कर देना, कागज पेन में लिख देना और जमीनी हकीकत, आप किसानों पे सबसे ज्यादा बात हो रही है, आप किसानों की हकीकत देखिए। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मान रही है कि गांव में जो डिमांड कैपेसिटी है वो आधे से ज्यादा गिर गई है। डिमांड कैपेसिटी गिरती कैसी है, जब उसके जेब में पैसा नहीं होता। पैसा गांव में कौन रहता है, किसान रहता है। किसान पूरा केंद्र और पूरा देश लगा हुआ है किसी तरह गरीबों की कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, लेकिन वो बढ़ाने के उपाय क्या है। अगर हम कहते हैं कि हम मेरठ हाईवे बना देते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बना देते हैं, 500 करोड़ में अयोध्या का हवाई अड्डा बना देते हैं, क्या हमारे किसान इससे प्रभावित होंगे, क्या हमारे किसानों की डिमांड इससे बढ़ेगी। जो किसानों की मूलभूत आवश्यकता है, जो आप लगातार देखें किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी चले जाइए, हजारों करोड़ योगी गवर्नमेंट बनने के बाद से आज तक गन्ना किसानों का बकाया हर साल बढ़ता जा रहा है और बकाया नहीं पूरा हो पा रहा। तो बजट में जो एक रूपरेखा होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो जनता को सीधे प्रभावित करे। नहीं, तो योगी जी तो कहते हैं कि गन्ना किसानों को तो जो समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी में भी जो बकाया था वो भी सरकार ने दिया, वो भी सरकार ने दिया। मैंने पहले किसान ने आत्महत्या सबसे कम पैसा अगर आज भी इस पर है तो मोदी सरकार। मैंने पहली लाइन 50,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का आज भी मिल मालिकों पर बाकी है। प्रमुख साहब आज भी मिल मालिकों का बाकी है, हमारी सरकार और ये बसपा वाले ना जो है, लेकिन सरकार नहीं ले रही है और मीलों का निजीकरण करकर इन्होंने अपनी संपत्ति। एक मिनट, एक बात और कह दूं, मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा मौका दे दीजिए। ठीक है प्रमुख साहब, आपसे सवाल आ रहे आखिरी बात, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते थे लेकिन मैं बजट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कड़वा सच है। कड़वा सच ये है कि अगर आपको याद हो जैसे अभी डिफेंस एक्सपो हुआ और उसके बाद देखिए डेली न्यूज में, मीडिया में या सरकार के द्वारा कहा जाता है, यहाँ तक कि एक मंत्री ने भी परसों बयान दिया है कि मिलियंस जॉब क्रिएट होंगी, युवा सब उसमें शामिल हो जाएंगे, 3 लाख के आसपास। स्वागत है, सुनिए मेरी बात, स्वागत है, लेकिन अगर आपको याद हो साल भर पहले इसी तरह इन्वेस्टर समिट की गई थी, किस तरह की घोषणाएं, किस तरह की घोषणाएं कही गई थी, आंकड़ों में लाखों करोड़ का ब्यौरा दे दिया गया था, कंपनी तक का कंसाइनमेंट दिखा दिया गया था। मैं अगर आज पूछूं हकीकत क्या है, कितनी कंपनियां आई और कितने रुपए आए, तो मेरे कहने का मतलब बजट हो, डिफेंस एक्सपो हो या इन्वेस्टर समिट हो, केवल कागजों में आंकड़ों की जादूगरी खेल खेलना, अगर ये खेलते रहेंगे तो निश्चित रूप से इनकी घोषणाएं तो ऐसी होती रहेंगी लेकिन जमीनी स्तर पर नरेश शर्मा जी दिनों दिन खराब होती चली जाएगी। हमारे पैनल में नए गेस्ट से जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेश जी आप बताइए कि किसानों के लिहाज से ये बजट आपको कैसा लगता है? किसानों के लिहाज से बजट बिल्कुल बेकार है जी, जैसा अभी बोल रहे थे कि मिलों पे FIR हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ, गन्ना किसान आज भी बिल्कुल बेकार बैठा है, घटतौली और ये सब बढ़ रहा है और किसान बिल्कुल आत्महत्या करने पर तैयार है, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है मिलों में। अच्छा, जो हमारे सहयोगी कह रहे थे, कटेरिया साहब कह रहे थे कि नहरों में, एक मिनट, कटेरिया साहब कह रहे थे कि नहरों में पानी नहीं है, मुझे ये बताइए कि गन्ने में पानी की सबसे ज्यादा खपत होती है और रिकॉर्ड तोड़ गन्ने का उत्पादन हो रहा है, ये दो बातें कॉन्फ्लिक्ट करती है अपने आप में कि नहीं करती? वो करती है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन इसलिए हो रहा है, गन्ना अगर किसान उत्पादन नहीं करेगा तो करेगा क्या, गन्ने रेट इतने डाउन है किसान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाता, और जो ट्यूबवेल है, पंप है जिनसे पानी लिया जाता है,
अब तो बिजली विभाग ने भी शिकंजा कस रखा है किसानों पे। पहले तो आप किसानों को नुमाइंदे, मुझे जरा ये बताइए कि वाकई ये 2017 के बाद ज्यादा गंभीर स्थिति है या उससे पहले गंभीर स्थिति थी, अब थोड़ी कम हुई है या बढ़ गई है, ये बताइए। स्थिति जैसी पहले थी अब भी वैसी है, नहीं कम हुई है। जो योगी साहब कहते हैं कि गन्ना बकाया तो समाजवादी पार्टी की सरकारों का, बसपा की सरकारों का, उसका भी उन्होंने बकाया दिया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, जितनी भी सरकारें रही, जितनी भी सरकारें रही सबका बकाया था, बकाया चल रहा है और बकाया हमें लगता है कभी उतर ही नहीं पाएगा किसानों का। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश की सरकार, मुझे कभी कभी भी ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा लगता अनमैच्योर्ड है। एक दिन में आज इलेक्शन हुआ और सीधे कल 150 रुपया 149 रुपया गैस के दाम बढ़ा दिए, आज 90 से 100 करोड़ रुपया निम्न आय वर्ग के, 90 से 100 करोड़ जनता निम्न आय वर्ग की है। आज बताइए जब केंद्र सरकार 150 149 रुपया गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिया, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, पूरे तो देश की सब्सिडी वाले सिलेंडर पर ना बढ़ाया गया, पूरे देश की महिलाओं ने सब्सिडी वाले सिलेंडर पर बढ़ाया गया, पूरे ने पूरे में सिलेंडर डालने का काम, गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पूरे ने सब्सिडी। अरे साहब पहले तो पहले गरीब से सब्सिडी बंद कर दी, गरीब किसान महीने में एक सिलेंडर चलाता होगा या ज्यादा चलाता, और उत्तर प्रदेश में जो इनको सिलेंडर दिए गए सारे महिलाओं ने उन सिलेंडरों को फेंकने का काम किया। आज देखिए इनको सबसे पहले ये बताइए प्रमुख जी, पहले प्रमुख जी पूरी बात सुनिए, आज आप सुनिए, आपने 10,000 करोड़ रुपया आप शिक्षा बजट पे कम कर दिया, मंडी कर जो है 2% से, 2% से मंडी कर 3% कर दिया, और सबसे बड़ी बात आप किसान के हितैषी हैं, किसान के हितैषी हैं, तो आपने जो किसानों के औजारों पे, किसानों के कल्टीवेशन जो औजार होते हैं उस पे इन्होंने जीएसटी 28% लगा रखी है, किसान कैसे हल खरीदे, किसान कैसे बीज खरीदे, किसान कैसे खाद खरीदे, उसमें 28% जीएसटी लगा रखी है। अच्छा धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर चौधरी जी पहला जो बजट था योगी सरकार का, पहला जो बजट था योगी सरकार का, धर्मवीर चौधरी चौधरी और आप खाद पे कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हो जी, चौधरी जी आप कोई सिंचाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ट्यूबवेल्स पे ध्यान दे रहे हैं और बिजली का रेट और बता दीजिए, और प्रमुख जी बिजली का रेट, बिजली का रेट बताइए, आप बिजली का रेट बताइए, आज आज आपके बगल वाले प्रदेश में फ्री बिजली जा रही है और आप बिजली बिजली का रेट 7 से 8 रुपया ले रहे हैं, आप हेमंत सोरेन जी को ले लो, झारखंड में ले लो, केजरीवाल जी को ले लो, अरे आप बीच में फंसे हुए हो, देश नहीं झुकेगा, और सारी ओएनजीसी बिक रही है, खामी हर कोई करवाएगा, लेकिन एके मिश्रा साहब को समझना है, बातचीत से थोड़ा ये समझ रहे में आए थे कि सारी देश की प्रॉपर्टी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, अब सारी देश की प्रॉपर्टी बिक जाएगी, रोजगार बढ़ेगा, सभी चीजें बढ़ेगी, ये 7,000 करोड़ जनता की संपत्ति है, इसमें 10% आज समय समाप्त बिल्कुल, तो ये किसने अधिकार दिया है किस देश की, ये बताइए कि इस बजट में, इस बजट में, इस बजट में विजन नजर आता है आप? नहीं सुनिए, जब यूएसए में आया था वहां पे क्या हुआ, वहां पे ये हुआ कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, प्रॉब्लम वहां पे भी थी किसानों को, रोजगार की, इन सब चीजों की। मैं इस बजट को पर्याप्त नहीं मानता हूं, मैं आदर्श भी नहीं मानता हूं, मैंने पहले ही बोला है, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए यूपी में जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, भाई किसान का विकास कब होगा, जब उसको 24 घंटे सस्ती बिजली मिलेगी, अब ये मत बोलिएगा कि बिल का रेट बढ़ा दिया, उसको मैं बाद में देखूंगा इस मुद्दे को, अरे किसान सुन लीजिए, अरे पहले सुन लीजिए, सर सुन लीजिए पहले, सर मुझे खत्म कर लेने दीजिए, रोक लगा दीजिए सारा किसान, यूरिया जानवरों की भी बात कर लूंगा, सिंचाई के लिए पानी, मैं क्यों उसके कि जो रेल का डेवलप होना चाहिए, उस पर फोकस,
सरकार का उसके बाद मूलभूत आते चले जाएंगे जो अनोखी। मैं एक चीज बोलता हूँ, आप कुछ करो या मत करिए, अगर राम मंदिर अयोध्या को ही डेवलप कर, टूरिज्म इतना बड़ा सेक्टर है, इतना फायदा होगा, महिला माइक्रो लेवल पे माइक्रो इकोनॉमी को जय सीताराम बोलता हूँ, जय सीताराम, जय सीताराम, ठीक है ना। आप इन माइक्रो महिला विरोधी है, महिला विरोधी सड़क बनती है, एक मेट्रो बनता है, समझे, उसके उसके अगल बगल में हजारों आप इस मल्टीपोर्ट फोल्ड, आप यहाँ जय श्री राम जय सीताराम बोल रहे हैं और आपके अध्यक्ष के आगे कोई अगर जय श्री राम बोल जाए उसमें आपत्ति क्यों? फिर देखिए, मैं तो श्री राम का पुजारी हूँ, मैं तो सदियों से भगवान राम को मानता हूँ। अखिलेश यादव जी नहीं, लेकिन सब यादव वाली पार्टी पूरा देश भगवान अखिलेश यादव जी है, राधे राधे जय श्री राम, मैं सब कुछ बोलता हूँ, जय सीताराम बोलता हूँ, लेकिन 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय राधे राधे जय राधे राधा राधे जय राधे राधे जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। लेकिन आप लोग कोई भी बुरा काम करने के पहले भगवान राम को बदनाम ना करें, भगवान राम का भजन, भगवान राम का नाम अजय अरोड़ा जी आपका सवाल जाता है, अजय अरोड़ा जी आपका सवाल अच्छे कार्यों के लिए, ठीक है कटहरिया साहब, अजय अरोड़ा जी आपका सवाल। कुलदीप जी, अनिल मिश्रा जी ने बड़े आंकड़ों से बात रखी और मैं इनसे इत्तफाक रखता हूँ। बजट बनाना और जमीनी स्तर पर करना दोनों फर्क फर्क चीजें हैं। और आज कहते ना, भूखे पेट न होए भजन गोपाला, जब तक रोजगार नहीं होगा, रोजगार का युवाओं के लिए बजट होना चाहिए था ज्यादा, इससे हम संतुष्ट हैं। पहली बात, जहां तक मेरे साथी किसान भाई भी आगे साथ बैठे हैं, किसानों का नेतृत्व करते हैं, चार दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक किसान ने आत्मदाह किया, उस लिख के दिया कि मुझे नोटिस आया और कोर्ट थाने का संबंध भी आया कि मैंने ऋण ठीक से चुकाया नहीं है। तो मेरा तो सीधा सीधा ये है, उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गंगा विरोधी है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा छात्र विरोधी है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा महिला विरोधी है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा सेना विरोधी है, लेकिन लेकिन उत्तर प्रदेश विरोधी जरूर है। इसलिए अभी आंकड़ों की बात आई, आंकड़ों से बात करते हैं। प्रमुख जी हमारे मित्र हैं और अभी ए के मिश्रा जी बात कर रहे थे, एक सेकंड, अगर अगर बजट अगर 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 बजट अगर एक मिनट अगर अगर बजट इतना खूबसूरत बनाया है तो प्रमुख जी इतनी निराशा क्यों, चेहरे के हाव भाव, आवाज ऊंची नीची क्यों? आराम से भी देखिए, आप बजट ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, जिस तरह से आपने यहाँ प्रस्तुत नहीं किया उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रस्तुत नहीं कर पाई। किसानों के किसानों की बात की, किसान खुद यहाँ मौजूद है, आप सबसे पहले किसानों की बात करें, रुकिए रुकिए, किसानों के नाम पे आप वोट लेते हैं, किसानों की बात कीजिए। अनिल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, चुप रहिए, ठीक है ठीक है, किसान बोलेगा, अनिल मिश्रा जी बोलेगा, ठीक है, अनिल मिश्रा जी बताना नहीं आता, अनिल हम सक्षम है, अनिल मिश्रा जी बताते बताते, अनिल मिश्रा जी आपने हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अनिल मिश्रा जी आपने कहा कि आंकड़ों, अनिल मिश्रा जी आपने कहा आंकड़ों का हेर-फेर होता है, मुझे ये बताइए कि अगर बजट इतना बड़ा कर दिया जाता है उसके पीछे बैकग्राउंड तो कुछ होता है, रेवेन्यू रिसीट में आपके इजाफा हुआ होगा, कैपिटल रिसीट में आपके इजाफा हुआ तभी तो बजट बढ़ता है। विरोध करना और समर्थन करने का नहीं, प्रश्न आपका बहुत जायज है। केंद्र सरकार ने भी पिछले साल जब जीएसटी को लाया और साल भर उसमें बड़ी फेरबदल की गई, तो पिछले बजट में पूरा उसका संशोधन करते हुए एक तरह फाइनल प्रारूप आया, थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, तो केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दिया था कि पर मंथ हमको 1.15 या 1.17 लाख पर मंथ हमको जीएसटी चाहिए, और उसको उन्होंने अपने आंकड़े में दर्शा लिया, पूरे ईयर का उन्होंने खाका खींच लिया कि हमें इतने बजट में आ जाएगा, इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन आपने देखा स्थिति क्या रही कि अंतिम तीन महीने छोड़ दीजिए अगर, तो वो जीएसटी कितना नीचे चला गया था। तो जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर मैं विरोध नहीं कर रहा हूं प्रमुख जी, आप मेरी बात का विरोध नहीं, मैं
इनका जो क्वेश्चन था उस पर जवाब दिया। लेकिन लेकिन मैं फिर वहीं पे रहूंगा। देखिए बजट मैंने कहा ना पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद बनती। मैं ये नहीं कह रहा हूं निराशाजनक बजट है, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए, यही सरकार नहीं पिछली भी सरकारें जितनी है, जब बजट लेके आती है वो लाल बैग लेके आती है, जिस वक्त घोषणाएं करती है, जिस तरह लाल किताब वाहवाही होती है। अब मैं इसी सरकार का, चूंकि वर्तमान में हम लोग बात कर रहे हैं, पिछली सरकारें भूल जाइए, उनको जनता ने सजा दे दी। अगर आप याद करें तो साल भर पहले इसी सरकार ने हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रमुख कोई प्रोडक्ट होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, उसका कितना बड़ा बजट और कितना सब कुछ किया गया था। अगर आज मैं पूछूं कि कोई एक जिला बता दे जहां से वो प्रोडक्ट निकल कर आया और उस योजना को हम सफलता के दायरे में रख दें। अब इसका उलट बोलते हैं, आज अर्थव्यवस्था क्यों चरमराई है कि हमारे यहां के जो छोटे मध्यम लघु उद्योग हैं पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरह से बिखर गए। उसके बहुत से कारण हैं, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन इस बजट में आप बताएं, दो तीन प्रमुख उद्योग हैं जो उत्तर प्रदेश को चलाते हैं। एक टेक्सटाइल्स है जिससे कानपुर से लेकर पूरा एरिया कंट्रोल होता है, और एक हमारे यहाँ लेदर सूज उद्योग जो आगरा से लेकर पूरा बैलेंस करता है। तीसरा कालीन। अगर आप बताएं इस बजट में एक भी ऐसी योजना लाई गई हो जो मजदूर भूखों मर रहे हैं, जो फैक्ट्री वाले बंद करके भूखों मर रहे हैं, अगर उनमें उन छोटे, और ये एक संख्या, देवेंद्र जी ये संख्या 1000 में नहीं है, ये संख्या लाखों में है। अर्थव्यवस्था पूरे देश की चरमराई है। देवेंद्र जी सबसे बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश के लेदर उद्योग, कालीन उद्योग, और दूसरा जो जिक्र किया, और वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का क्या हुआ? पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने जी, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी सुधरेंगी। देवेंद्र जी देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने जी, आपकी सरकार पैसे वालों की जी। देवेंद्र जी जल्दी, उद्योगपतियों की सरकार है, आप लोग उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, ये बात स्वीकार कर लो। मैं एक लाइन बोल दूं अगर प्रमुख जी के। देखिए बजट में कितना हेरफेर होता है, या बजट जिस चीज को दर्शाता है और अंदर हालात क्या होते हैं उसमें कितना अंतर होता है। उत्तर प्रदेश में मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, लखनऊ एयरपोर्ट हर साल 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट दे रहा था, कभी 118 करोड़, कभी 128 करोड़। ऐसी क्या स्थिति आ गई इस बार कि उसको एक व्यापारी को बेच दिया गया जो प्रॉफिट दे रहा है, एक पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट, उसको कंपनी को दे दिया गया जो 1 अप्रैल से उसको हैंडओवर कर दिया गया। अगला सवाल हूं मैं, देवेंद्र जी रेलवे देखा जा रहा है जी, देवेंद्र जी जो संपत्ति कमा के रखी है। मिश्रा जी ने दो तीन पॉइंट बड़े वाजिब बोले हैं। देखिए बजट एक प्लानिंग होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग है। जो प्रॉब्लम है, इसके पहले भी जो 70 साल सरकारें थी, मैं सारी सरकारों की बातें करता हूँ, अरे सुनिए ना, क्यों जब अभी बात होगी तो आप 5000 साल से उठाएंगे। प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई है, चोरी कर कर लूट कर खा गया। सुनिए एक आप जमानत पर लोग घूम रहे की सारा हरियाणा की जमीन से लेकर आपकी जमानत के बारे में आप इंसान की बात कर रहे हैं, हमारे में बड़े खतरा है, आपकी भी जमानत करवा रहे हैं। डेरा का पता आपको कहा है उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, ये रोजगारों की बात नहीं करेंगे, अरे साहब ये बता, हम सब सारे जवाब दे रहे हैं। डेवलप करके अगर विकास होगा, आगरा एक्सप्रेस वे हमने बनाया, रोजगार मांग रही है समाजवादी पार्टी ने, जितना खत्म कर दिया। बोलो दो लोग अच्छा धर्मवीर जी, ठीक है, एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, धर्मवीर जी, ये बताइए
ये बताइए, बजट आया है आज, शोरगुल हो रहा था, आपने सवाल भी खड़े करने थे, लेकिन लॉजिक के साथ आप कौन से सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं। एक मिनट देवेंद्र जी, देवेंद्र जी एक मिनट, एक मिनट, आप कह रहे थे कि रोजगार, रोजगार, देवेंद्र जी आप कह रहे थे कि रोजगार की कमी है, हम तो समुद्र है, हम सबकी माँ है, कांग्रेस तुम्हारी भी माँ है, आपकी माँ है कांग्रेस। पेट में दर्द होगा, आज एफआई में डांस कराने से यूपी का विकास होगा, हीरो उत्तर प्रदेश में दवाइयां नहीं है। अरविंद कटेरिया जी, अरविंद कटेरिया जी, अरविंद कटेरिया, ठीक है मैं सवाल ले लेता हूँ, आपका सवाल ले लेता हूँ। अरविंद कटेरिया जी मुझे ये बताइए कि वो बोल रहे हैं कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, इनका नाम बदला है, आपकी जब सरकार थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर बन गया था ये बताइए। गंगा को लेकर वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि गंगा साफ नहीं हुई, कोई नहीं कहता गंगा साफ हुई है, सब कह रहे हैं कि गंगा साफ हो रही है, ये बात सामने आती है कि गंगा साफ हो रही है। आप बताइए कि गंगा पर आपने कितना काम किया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 2017 से पहले कितने किलोमीटर बना था। देखिए साहब, हमारे उस परिस्थिति में लगभग रोड कंप्लीट होने जा रहा था, रोड कंप्लीट होने जा रहा था, सुनो और सुनिए, ये सिर्फ नाम बदलने का कर रहे हैं, हमारे हमारे लखनऊ में एक मंडी बनाई, हैदराबाद में मंडी बनाई, उन मंडियों को खत्म कर दिया। देखिए लॉजिकल तरीके से आप विरोध का बिंदु रखते हैं, मजा आता, आपने कोई बिंदु नहीं रखा। आप देश हो, जेपी ग्रुप आपकी पॉलिसी की वजह से दिवालिया हो गया, आप लोग काम नहीं चलने देते हो, और जेपी ग्रुप नहीं, बहुत सारे बिल्डर दिवालिया हो गए, समझे क्योंकि, अरे साहब इकोनॉमी मुझे पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3500 करोड़ की आपने मूर्ति बनी, 3500 करोड़ में। देखिए यूपी का बजट आया, आप गुजरात चले गए, आप मिनट भी नहीं लगाते गुजरात पहुंचने में, पूरी बता दो, मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसका ताजमहल से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, और जहां जाके आप मोहब्बत के कसीदे पढ़ते हो, जब 28% टैक्स लोगे, जनता को मार दिया, जनता रो रही है, 28% ले रहे हो, 28%। अच्छा धर्मवीर जी, धर्मवीर जी आप बताओ, धर्मवीर जी पहला जो बजट था योगी सरकार का, ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र जी रुक जाइए, कुछ सवाल इधर उधर भी, देवेंद्र जी कुछ सवाल इधर उधर भी, धर्मवीर जी विकास के काम किए, धर्मवीर जी धर्मवीर जी कौन सी जी 2000, धर्मवीर जी पहला बजट था किसानों पर फोकस बजट था। अच्छा रुकिए, मैं समझना चाहूंगा, पहला बजट योगी सरकार का किसानों पर फोकस, फिर महिलाओं पर फोकस, अब युवाओं पर वो फोकस होने की बात कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 2500 रुपए जो घोषणा उन्होंने किया इंटर्नशिप में, यानी कि उद्योगों में वो ट्रेनिंग लेंगे, साथ में 2500 रुपए भी उन बच्चों को मिलेंगे छात्र, ताकि वो स्किल्ड हो जाएं, ट्रेंड हो जाएं। आपकी दिक्कत यही है ना कि रोजगार मिले, ठीक है, कितना दिया है आपके 55,000 जी, 55,000 जी, ठीक है सब जवाब तो आने, 55,000 इसमें तो ताली बजाएंगे आप, शिक्षा में युवाओं के लिए बजट दिया था, उसकी पढ़ाई स्कूल से उसका नाम कट गया। और दूसरी बात यह है कि आज प्रदेश में जो किसान हाहाकार कर रहा है, इस देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से निकलता है, लेकिन आज किसानों के नाम पर किसान ठगे जा रहे हैं, इनका इनका जो कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं है। आज ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन नहीं है, शहरों में लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों पर भार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, और ये डिबेट को ड्रिल कर रहे हैं, उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है। आप लोगों ने किसानों का नाश कर दिया, इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को धर्म नहीं चाहिए,
उसको रोटी चाहिए रोटी। देश में कोई पार्टी कर नहीं पाई, किसानों की, आम व्यापारी की, आम आदमी की, जीएसटी ने, नोटबंदी ने मार तोड़ दी। लघु उद्योग वाले परेशान हैं, वो बर्बाद हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेकार हो चुका है। अनिल मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है, और आप शायद आखिरी ही सवाल ये होगा, अनिल मिश्रा जी मेरे को बताइए, क्योंकि इधर उधर की सियासत में पढ़ के समझ नहीं आया कि बजट क्या था। मैं ये आपसे समझना चाहूंगा, भले ही वो आंकड़ों का हेर फेर है, लेकिन आपको विजनरी बजट नजर आता है। वो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा क्योंकि हम भी देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, जब हमें पता लगता है कि एक्सप्रेस वे देश में सबसे ज्यादा 2025 तक 2000 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश में होंगे। एक्सप्रेस वे कमर्शियल एक्टिविटीज को बेतहाशा बढ़ाते हैं, ये आपको पता होगा। इन चीजों में बिजली पर जो कुछ काम हुआ है, उससे अब अगर ये कहा जाता है कि 24 घंटे जिला मुख्यालय में बिजली आती, 24 की वो 20 घंटे भी आती है, तो वाकई वो रफ्तार देगी इकॉनमी को, नहीं देगी। और इसके अलावा जो टैक्स रेवेन्यू जो बढ़ा है यूपी सरकार का, इस साल का आंकड़ा मुझे पता नहीं, पिछले सरकार में कहा गया था कि 12 से 15% की वृद्धि है। अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, तो वाकई उस लिहाज से बजट ये जो रखा गया है, ये समावेशी बजट है, विजनरी बजट है ये? नहीं, बिल्कुल, देखिए कोई भी बजट हो या कोई भी प्लान हो, वो हमेशा विजनरी होता है, और नो डाउट कोई जानबूझ उसमें गलत चीजें नहीं डाली जाती हैं। लेकिन अब जो आपका प्रश्न है उसको मैं दूसरे ढंग से उत्तर दे देता हूं 10 सेकंड में। दिक्कत यह आ गई है कि पहले राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने के समय घोषणा पत्र जारी करती थी, जिसका कोई औचित्य नहीं होता था, एक वादा किया जाता था। लेकिन विगत 5-10 सालों से देखने में आ रहा है, अब बजट चाहे वो केंद्र का हो या प्रदेश का, उसने घोषणा पत्र का रूप ले लिया है। कारण ये तब तक नहीं सुधर सकता, या आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिल सकता है कि विजनरी है या नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि विजनरी है या नहीं है, पॉपुलिस्ट बजट तो नहीं है। जिस दिन बजट में, बिल्कुल हर बजट पॉपुलिस्ट होता है, बजट सही मायने में तब माना जाएगा जब अब ये नियम बने कि कोई भी बजट अगली बार पेश होगा उसके पहले उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पिछले बजट में जितनी घोषणाएं हुई थी उनमें क्या उपलब्धि रही, कितनी प्राप्ति हुई, कितनी नहीं हुई, पहले इसका ब्यौरा पेश किया जाए, उसके बाद आगे की घोषणाएं की जाए। तो हर सरकार को जो है आगे हमेशा एक छोटा सा पॉपुलिस्ट बजट मिल जाए। छोटा सा सवाल आपसे जी, अरोड़ा जी जल्दी जल्दी कन्या सुमंगला योजना शुरू करी थी, वो कहां पहुंची बताइए प्रमुख जी। जो योजना चली, कितने लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की, कितनी बेटियों की इज्जत को आपने तार तार किया, कितने जो है गिनवा देना चाहता हूँ, कितने करोड़ लोगों की आप नौकरी खा गए, बताइए। 3 सेकंड शौचालय दीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना दीजिए, भाषण भारतीय जनता पार्टी ने छूने का भाषण ये पहली बार चलिए ठीक है। आखिरी सवाल एक मिश्रा जी आपसे, आखिरी सवाल एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी जो बड़ी उपलब्धि, अच्छा है जी, गंगा जी कितनी साफ हुई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा के दौरान जो एनालिस्ट है उनसे जरा ये समझ आया कि ये पॉपुलिस्ट बजट भी हो सकता है, लेकिन ये साथ साथ विजनरी बजट भी है। लेकिन इसे अमली जामा कैसे पहनाया जाता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। जो घोषणाएं की जाती हैं वो उतरती हैं जमीन पर, इसको जरूर नोटिस करना होगा, तभी पता चलेगा दरअसल ये बजट क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। योगी सरकार का ये बजट सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का हमारा अर्थ संकल्प है। पूरा निराशाजनक बजट है, केवल कागज का पुतला। ये सरकार लगातार धोखा दे रही है, आने वाले समय में जनता इनको धोखा देगी।